तो मेरा नाम अभिषेक है। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि एमएस एक्सेल में किस तरह से आप सेल में लाइन ब्रेक करते हैं। वो सेल आपका मर्ज भी रह सकता है या फिर बिना मर्ज का रहेगा, तो किस तरह से आप एक ही सेल में 2, 4, 6 या फिर जितने भी चाहें आप एंट्रीज कर सकते हैं। आप न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक कोई भी आप टेक्स्ट भी चाहे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपके एक्सेल शीट पर किस तरह से सेल्स में आप लाइन ब्रेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम आ गए हैं अपने एमएस एक्सेल शीट पे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेल है। अब देखिएगा, यूजुअली यहाँ पे अगर आपको शेडिंग वगैरह देखते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट के हेड पे यहाँ पे सेल्स को मर्ज कर देना होता है। देखिएगा, सेल आसानी से आप ऐसे करके मर्ज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि कुछ सेल्स आपके एक साथ मर्ज हो जाती हैं एंड जितना एंट्री आप इस जगह पे करेंगे उतना आप इतने ज़्यादा जगह पे कर पाएंगे वो एंट्री, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने जो लिखा है और सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, चलिए मैं इसे थोड़ी बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें लाइक आपने मर्ज कर लिया है और डिजिटल सॉफ्टवेयर अगर आप लिखना चाहते हैं, चलिए हम इसे सेंटर अलाइन कर दें एंड यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिजिटल सॉफ्ट हब। एंड जैसे आप दूसरा कुछ लिखना चाहेंगे, जैसे नाम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, तो देखिए एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका ये बाहर आ जाएगा टैब। एंड अगर आप यहाँ पे टैब देंगे तो इधर आ जाएगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप यहाँ पे स्पेस दीजिए। अब स्पेस आप देते जाएंगे तो ये देखिए आगे बढ़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, यहाँ पे ऑप्शन रहता है वर्ड रैप का। ये करेंगे तो अब अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे स्पेस देते जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके साइड में जाएगा एंड आगे बढ़ता जाएगा, देन इसके बाद ये नीचे आएगा। तो कितना लेंदी टाइप का है। आप ये एक्शन तो परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन आपको काफ़ी दिक्कत जाएगी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से आप बड़ी आसानी से इस टाइप का आप लाइन ब्रेक करके लिख सकते हैं। लाइन ब्रेक करने का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि आप एक ही सेल में कई सारी एंट्रीज कर सकेंगे, वो भी लाइन ब्रेक के तौर पे। तो देखिएगा, चलिए मैं इसे पहले हटा देता हूँ। ये देखिएगा मैंने इसे हटा दिया एंड इसे मैंने डिलीट कर दिया। ये मान लीजिए आपके पास एक सेल है, यहाँ पे आपने 4 लिखा है। अब इसके नीचे अगर आप कुछ लिखना चाहें, अगर एंटर करेंगे टैब करेंगे तो इधर उधर आपका ये मूव हो जाएगा, ये जो आपका टैब है। तो देखिएगा आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सिंपली सा प्रेस कर देना होगा, आपको करना होगा ALT जो आपके कंप्यूटर पे होता है, इसके साथ आपको प्रेस करना है एंटर। जो आप अगर एंटर Alt के साथ अगर आप प्रेस करेंगे, स्पेस के बाजू में एंटर रहता है एंड Alt रहता है, देन उसके बाद आपका शिफ्ट के ऊपर एंटर रहेगा। तो आपको इस कॉम्बिनेशन को प्रेस करना है। लाइक आप यहाँ पे गए 4 के बाद, अगर आप Alt के बाद एंटर प्रेस कर देते हैं तो देखिएगा ये नीचे आ गया। 5 कर देंगे, Alt के बाद एंटर कर देंगे, जैसे आपने 9 कर दिया एंटर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे कितना कुछ लिखा गया, 4, 5, 9 एक ही लाइन में। तो सेम इसी तरह से मान लीजिए कि आपका ये पहले ऐसे है, आपने इसे मर्ज किया, कुछ आपको लिखना है दो लाइन में, ठीक ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, देन आप Alt के साथ एंटर करेंगे। देखिएगा मैं Alt प्रेस किया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे नीचे आ गया जस्ट। यहाँ पे मैं अभिषेक नाम लिख सकता हूँ, अभिषेक कुमार त्रिपाठी, आपने ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से आप यूजुअली एक ही सेल में कई सारी एंट्रीज कर सकते हैं। अब देखिए कि इसका बेनिफिट ये है कि आप इसे जिधर मूव करना चाहें उधर आप करा सकते हैं। लाइक आपने ये मूव कराया, ये कराया, अगर आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी।